हेलो दोस्तों, कल मैंने मार्केट में एक बच्ची को देखा जो आइसक्रीम के लिए अपने फादर से जिद कर रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है, और उसके लिए वो ज़मीन पर लोटपोट कर रही थी। और उसके पापा बोल रहे थे, नहीं बेटा तुम आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम से तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है, बदले में चलो तुम किसी होटल में चलो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा। लेकिन वो बच्ची मान नहीं रही थी और ज़मीन से उठ ही नहीं रही। तभी मैंने सोचा रेस्टोरेंट वाला वीडियो बाद में अपलोड करूँगी, पहले मैं आइसक्रीम पर ही वीडियो बना दूँ। तो हेलो जिज्ञासु, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर। फ्रेंड्स, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम सभी इस बेहद गर्मी को झेल रहे हैं। इस बेहद गर्मी में बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन से रोकना है। तो आज मैं आपको आइसक्रीम के बारे में एक हियरिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम बड़े और बूढ़े इस बात को जानते हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम वाटर इंटेक बढ़ा देते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं, मैंगो, संतरा, नींबू ये सब लेते हैं। लेकिन बच्चे को कौन समझाए, उन्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है, उन्हें तो बस गर्मी है मतलब आइसक्रीम लेना है। और हम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन बच्चों को कैसे समझाएं, आइसक्रीम खाने से इन्हें इनका गला ख़राब हो जाता है, इन्हें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, यहाँ तक कि फीवर भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं और अंत में हम लोग बच्चों के सामने अपना घुटना टेक देते हैं और उन्हें आइसक्रीम दिला ही देते हैं। तो ऐसा क्या करें जो बच्चे भी आइसक्रीम आराम से खाएं और उनका तबीयत भी ना ख़राब हो। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, आइसक्रीम ठंडा होने के बावजूद इसकी तासीर गर्म होती है, इसके ज़्यादा सेवन से हमारे वज़न बढ़ जाते हैं क्योंकि आइसक्रीम में फैट और फ्रुक्टोज कम सिरप पाए जाते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम से सब खराबी होता है, इस आइसक्रीम को अगर हम सुबह सुबह नाश्ते में लें तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन ए एंड विटामिन बी12 पाया जाता है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को कम निकलने देता है और हमारे शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। और हाँ, बच्चों में ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उनके दिमाग को भी तेज करता है। आइसक्रीम से हमारा ख़राब मूड अच्छा हो जाता है और इससे हमारे तन और मन दोनों को शांति मिलती है। इसीलिए मैं सभी माओं से अपील करती हूँ, सभी माओं को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को आइसक्रीम उसके नाश्ते में ही दे दीजिए। बच्चे आइसक्रीम सुबह से ही खाए रहेंगे तो शाम में उनको वो एडिक्शन नहीं आएगा और वो नहीं कहेंगे कि मम्मा मुझे आइसक्रीम फिर से खानी है, उन्हें तो लगेगा मॉर्निंग में तो खाया ही था, और उनके मन में संतुष्टि रहेगी और वो उसके लिए ज़िद्द नहीं करेंगे और इससे उनका तबीयत भी नहीं ख़राब होगा। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो इस आइसक्रीम पर एज ए प्रोफाइलेक्टिक काम करती है। अगर आप इस मेडिसिन को बच्चों को हर रोज़ डेली रूटीन में खिलाते रहेंगे तो उन्हें आइसक्रीम खाने के बाद भी उनका तबीयत कभी ख़राब नहीं होगा। वो मेडिसिन है, ये चार मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन को अगर हम बच्चों को देते हैं तो उन्हें कभी भी उसका तबीयत ख़राब नहीं होगा। ये मेडिसिन एज ए प्रोफाइलेक्टिक काम करती है। फर्स्ट है बेलिस्पेरेनिस 30, आर्सेनिकम एल्बम 30, ब्रायनिया 30 और जेलसीमियम 30। इसमें जेलसीमियम 30 10 ml लेंगे और बेलिस्पेरेनिस 30 वो भी 10 ml लेंगे, बाकी दोनों मेडिसिन के 5 5 ml लेंगे। टोटल 30 ml का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को बड़े बच्चों में 3 से 4 बूंद 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम रात देंगे, और छोटे बच्चों में 2 से 3 बूंद 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम रात देंगे। और जब आप देखेंगे कि बच्चा ऑलरेडी बीमार पड़ चुका है आइसक्रीम लेने के बाद, उसे सर्दी खांसी जुकाम और बुखार आ गया है, तब आप इन्हीं दवाओं के कॉम्बिनेशन को 10 बूंद करके आधा कप गर्म पानी में घोल करके आधे आधे घंटे में 3 से 4 चम्मच लगातार देते चले जाएंगे, तो 24 घंटे में ही उसे बहुत राहत मिलेगी और उसका तबीयत ठीक होता चला जाएगा। फिर भी अंत में मैं कुछ ऐसे दवाओं के लिस्ट आपको बताऊँगी जिसके सिम्टम को मैच करके आप अपने घर में ही बच्चों को दे सकते हैं और उसका तबीयत को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही एक मेडिसिन की अच्छी कॉम्बिनेशन है, अगर किसी बच्चे को आइसक्रीम खाने के बाद या फिर फ्रिज का कोई सामान खाने के बाद तबीयत खराब हो जाए, अगर उनकी आंखें सूज जाए, अगर उन्हें सर्दी हो, गला बैठ जाए, बुखार आने लगे, तो इन स्थिति में गले में खुजलाहट हो, तो इस स्थिति में हम 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। एक है बेलिस्पेरेनिस 30 और आर्सेनिकम एल्बम 30। इन दोनों मेडिसिन के 2 2 बूंद दिन में 2 बार अल्टरनेट करके सुबह शाम दोपहर रात करके खिलाएंगे। दूसरा एक और अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आइसक्रीम खाने से या फिर फ्रिज का कोई ठंडा
खा लेने से अगर आपका तबीयत खराब हो जाए, आपके गले में दर्द हो, इवन आप तरल पदार्थ को भी निगलने में दर्द महसूस करें, ऐसी स्थिति में आपके हिपरसल्फ 30 और लेकेसिस 30 अल्टरनेट करके इसके दो दो गुण दिन में दो बार सुबह शाम दोपहर रात करके सप्ताह भर के लिए खिलाएंगे तो उनका तबीयत ठीक हो जाएगा, गला का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तीसरी मेडिसिन एक ऐसी कॉम्बिनेशन है, इसके लक्षण है अगर गले में दर्द हो, इवन टॉन्सिल बढ़ जाए और टॉन्सिल बढ़ के पक जाए और कुछ खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम रेटाकार 30, कैमोमिला 30 इसकी दोनों मेडिसिन अल्टरनेट करके इसकी भी दो दो बूंद दिन में दो बार सुबह शाम दोपहर रात करके अगर हम लोग सप्ताह भर के लिए दे देते हैं तो उनके पके हुए टॉन्सिल भी ठीक हो जाएंगे और गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर टॉन्सिल ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए, ज़्यादा पक जाए, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग सोरिनम 1 mg का एक एक डोज करके लगातार 4 दिन देते हैं और साथ में वो 2 दवाएं भी देते हैं। तो ये रह गई ये सारी टिप्स, इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप और आपके बच्चे दोनों खुश रहेंगे, दोनों मस्त आइसक्रीम खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये सारी टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और मेरी अगली वीडियो वेस्ट पेन पर होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।